सो गाइस, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब गेहूं का आटा, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, आधे चम्मच के करीब अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका सॉफ्ट सा बैटर बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें सारा पानी एक बार में ही नहीं ऐड करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एकदम सॉफ्ट सा इसका बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टी का हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के आलू को उबाल कर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर लिया है। अब हम फोक की हेल्प से इसे एकदम अच्छे से मैश करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे एकदम अच्छे से मैश करना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैंने दोनों भी आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन में एक चम्मच के करीब ऑयल गर्म होने को रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ ही एक मीडियम साइज की शिमला बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। तो देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सारी सब्जियां ट्रांसपेरेंट होने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मैश करके रखे हुए आलू। आलू डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम एक बार वापस से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे सभी मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन रखा है। अब हम ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो देखिए, पैन की हर तरफ मैंने एकदम अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब हमने जो बैटर बना कर रखा था, अब हम वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब बैटर डाल दिया है और इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, एक साइड से एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए, इससे कितने बेहतरीन तरीके से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी साइड वापस से चेंज करेंगे। तो देखिए, उलटते पलटते इस तरह से मैंने इसे दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी पूरियां बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसमें से एक पूरी लेंगे और हमने जो आलू वाला मसाला बनाकर रखा था, अब हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके बीच में अच्छे से मसाला सेट कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे दोनों साइड से एकदम अच्छे से फोल्ड करना है। वापस से हम इसके दूसरी साइड भी इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब गैस पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल रखा है। अब हम इसमें ये सारे नाश्ते डाल देंगे। हम इसे एकदम अच्छे से सेलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 नाश्ते डाल दिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, एक साइड से एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और इसे कलर कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, उलटते पलटते इस तरह से मैंने इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे कलर कितना बेहतरीन आया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बनाकर रेडी करेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हमारा सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाला है नाश्ता रेडी हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।